हेलो गाइस, माय नेम इज आशीष गर्ग। तो IOCL के इंटरव्यू के बारे में आज हम बात करेंगे। बेसिकली मैंने IOCL का इंटरव्यू दिया है, तो कुछ बातें हैं जो मैं चाहता हूँ आप कंसिडर करें जब आप अपना इंटरव्यू देने के लिए जाए। तो IOCL की मैं सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बात करूँगा। तो बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग का जो कट ऑफ गया है IOCL में, वो गया है 60.66 मार्क्स का कट ऑफ मार्क्स फॉर कॉलिंग इंटरव्यू। डेट इज 60.66 मार्क्स। 66 मार्क्स ये कट ऑफ गया है सही ब्रांच, सिविल ब्रांच के लिए, सभी भी कैटेगरी के लिए। तो इसके बेसिस पे अराउंड 629 पीपल IOCL ने कॉल किए हैं। अराउंड 629 पीपल IOCL कॉल करता है इंटरव्यू के लिए। अब यदि IOCL के पुराने हम यदि देखें जनरली, तो ये जो रेशियो है ये अराउंड 1:5 और 1:6 के बीच में लाई करते हैं आउट ऑफ नंबर ऑफ सीट्स। तो RTI लगाने के बाद बच्चों ने पाया कि जो सीट्स हैं अगेंस्ट विच 629 पीपल इज बिंग कॉल्ड आर 123। ये सीट बढ़ भी सकती हैं, ये कम से कम सीट IOCL बताता है जब आप इंटरव्यू के लिए आप यदि आप RTI अप्लाई कर देते हो तो इंटरव्यू के लिए ये आपको बताता है। 123 लोगों को IOCL ने कॉल किया है। तो इसका स्टेज कैसे है, इसमें तीन स्टेजेज होते हैं इंटरव्यू के। जैसे फर्स्ट तो आपका पर्सनल टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू, फिर होता है आपका GD और GT एंड पर्सनल इंटरव्यू। ये थ्री स्टेजेज होते हैं PI। तो 85% आपकी गेट की कट ऑफ एंड 15% फ्रॉम दीज थ्री थिंग्स। ये आपका 10 मार्क्स का होता है। यदि हम 100 मार्क्स बोलें टोटल, तो 10 मार्क्स का आपका होता है पर्सनल इंटरव्यू और ये कंबाइंड 5 मार्क्स के होते हैं। तो ये क्या हो गया, 85% गेट एंड 15% आपका हो गया GD एंड GT एंड इंटरव्यू एंड पर्सनल इंटरव्यू। तो ये आपका ओवरऑल 100% बन जाता है, जिसके बेसिस पे फाइनली IOCL सेलेक्ट करता है। तो मेरा एक्सपीरियंस मैं बताऊं तो क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं IOCL के अंदर वो बड़े इजी होते हैं। इसका इंटरव्यू भी, पैनल भी थोड़ा चिल होता है एज़ कम्पेयर टू अदर, जैसे HPCL का देखोगे आप या BARC का देखोगे, वहाँ पे आपका इंटरव्यू लंबा भी चलता है और GD GT वहाँ पे थोड़ा टेंस भी होता है एज़ कम्पेयर टू IOCL। IOCL में जो मेरा इंटरव्यू हुआ था उसमें मेरे से मोस्टली क्वेश्चंस मेरे प्रोजेक्ट से पूछे गए थे, फ्रॉम माई प्रोजेक्ट। देन दे हैव बीन आस्क्ड, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर था। मेरा प्रोजेक्ट था डिज़ाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट यूजिंग IRC मेथड। तो मेरे से पेमेंट के बारे में कुछ बातें पूछी थी, जैसे फ्लेक्सिबल पेमेंट, हाउ डू वी व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट क्या होता है, और आपने जो डिज़ाइन किया था हाउ मच थिकनेस यू हैव टेकन फॉर डिफरेंट लेयर्स ऑफ पेमेंट। फॉर एग्जाम्पल बेस कोर्स में कितना होता है, सब बेस कोर्स की थिकनेस क्या है, मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट्स दे हैव बीन आस्क्ड मी वट इज़ द मैक्सिमम साइज डैट इज यूज इन द पेवमेंट कंस्ट्रक्शन। सो कुछ बातें हैं। एंड देन वट इज़ द ऑटोमेटिक पेवर। आजकल हम जो बिटुमिनस पेवर यूज़ करते हैं वो ऑटोमेटिक पेवर होता है। तो क्या होता है वो, कैसे यूज़ किया जाता है उसको, तो कुछ क्वेश्चन ये थे। फिर बेसिकली वो आपसे जैसे पूछेंगे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पसंद है, तो प्रेफर करते हैं उसी सब्जेक्ट से वो क्वेश्चन पूछे। और एक बात और बता दूं, इसमें लैंग्वेज का कोई इश्यू नहीं है, यू कैन स्पीक एनी लैंग्वेज बोथ इंग्लिश एंड बोथ हिंदी। लेकिन आपको देखना है कि वहाँ पर जो इंटरव्यूअर है यदि वो कोई साउथ से है। फॉर एग्जांपल मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो गुड़गांव हुआ था। माई इंटरव्यू वॉज इन गुड़गांव, डैट इज़ IIPM गुड़गांव, डैट इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम मैनेजमेंट गुड़गांव में है, जो इफको चौक के पास है। तो आपको बड़े इजीली जा सकते हैं। इसमें जो इंटरव्यू हुआ है मोस्टली पैनल में नॉर्थ इंडियन ही लोग थे, तो वो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि यदि आप हिंदी बोल रहे हो या फिर इंग्लिश बोल रहे हो तो आप यू कैन स्पीक एनी लैंग्वेज यू वॉन्ट, आपका उससे मार्क्स कट नहीं होते। ये कंसिडर करके चलो, आप कहीं कभी कभी सोचते हैं ना कि भाई इंग्लिश से मार्क्स इम्प्रूव होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो आप दोनों लैंग्वेज स्पीक बोल सकते हो वहाँ पर। मैं क्वेश्चंस के बारे में बता रहा था अपने, तो मैंने जो सब्जेक्ट बताया था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बोला था, तो लेकिन वो मुझसे RCC के क्वेश्चन पूछने लगे थे, जैसे कि
उन्होंने पूछा था मिक्स डिजाइन, हाउ डू यू प्रिपेयर मिक्स डिजाइन, देन दे हैव बीन आस्क्ड मी अबाउट व्हाट इज द प्रोपोर्शन इन द M15 कंक्रीट। M15 कंक्रीट में फाइन सीमेंट का, फाइन एग्रीगेट का एंड कोर्स एग्रीगेट का प्रोपोर्शन क्या होता है। देन फिर M20, सिमिलरली M25 और मिक्स डिजाइन कैसे बनाते हैं, वट आर दो स्टेप्स बाय विच मिक्स डिजाइन यू कैन प्रिपेयर, कुछ क्वेश्चन ये थे। फिर हाउ डू यू टेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट यूजिंग UTM, अल्टीमेट टेस्टिंग मशीन से आप स्ट्रेंथ कैसे चेक करते हो कंक्रीट की, आप टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे निकालते हो यूजिंग UTM कंक्रीट की ऑब्वियसली। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, बाकी पैनल उसका ऑलमोस्ट बहुत फेवरेबल कंडीशंस में था, मतलब आपके जैसे आप यूजुअली चैट करते हो किसी से ऐसी आपकी कन्वर्सेशन रहती है। मेरे पैनल में 4 मेंबर थे जिसमें एक फीमेल मेंबर थी और 3 मेल मेंबर थे, एक चेयरमैन रहता है बीच में। तो उसमें बेसिकली जो यदि मैं आपको सेटिंग बताऊँ वहाँ की, तो गोल टेबल थी, राउंड टेबल, इन विच दीज मेंबर्स आर बीन सिटिंग हेयर एंड वी हैव टू सिट हेयर, वी हैव टू सिट हेयर, 4 मेंबर आपके राउंड टेबल के अराउंड बैठे थे और बीच में बैरियर था, यहाँ पे बैरियर किस चीज़ का, ग्लास बैरियर था यहाँ पे, दिस इज अ ग्लास बैरियर, बिकॉज ग्लास बैरियर इसलिए था क्योंकि कोविड चल रहा था, इस कारण बेसिकली उन्होंने ग्लास बैरियर को प्रेफर किया था, ऐसे ये ऐसे ग्लास बैरियर दिया हुआ था। मास्क आप उतार सकते थे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर फर्दर जो पैनल में थे मेंबर, वो मेनली चेयरमैन इधर बैठा होता है जो आपके मार्क्स डिसाइड करते हैं, जिसके पास आपकी डॉक्यूमेंट्स जाते हैं, आपकी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो डॉक्यूमेंट इस पर्सन के पास होंगे, आपके पास, इन लोगों के पास नहीं होंगे। तो फीमेल मेंबर जो थी मेरे इंटरव्यू पैनल में, वो HR थी। तो HR के क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं IOCL में एज कम्पेयर टू अदर इंटरव्यू एग्जाम्स, अदर इंटरव्यू। सो बेसिकली HR ने जो क्वेश्चन पूछे थे वो मेनली मेरे से IOCL के रिलेटेड पूछे थे, IOCL पब्लिक डोमेन में क्या कर रहा है, मतलब कि CSR क्या है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत IOCL कहाँ कहाँ कौन से प्रोजेक्ट यूज कर रहा है, तो एक क्वेश्चन ये था। देन IOCL का मैस्कोट क्या है, रिसेंटली उन्होंने मैस्कोट चेंज किया अपना, तो उसका मैस्कोट क्या है, जैसे वो था जाइंट राइनो, तो वो आपको पता होना चाहिए, आप IOCL के बारे में पढ़िए, उसकी 8 डिविजन्स हैं, आपको हर एक डिवीजन के बारे में पता होना चाहिए जब आप इंटरव्यू के लिए जाओ। तो HR भी काफ़ी क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि मेरे से पूछा गया था नेम एनी 3 या 4 आपकी कोई गवर्नमेंट की पॉलिसीज बताए, गवर्नमेंट की स्कीम बताए, 3-4 पॉलिसी या स्कीम्स रिसेंटली वर्ल्ड लेवल के ऊपर क्या क्या न्यूज़ में है, वर्ल्ड लेवल के ऊपर न्यूज़ क्या बनी हुई है, इंडिया में रिसेंट न्यूज़ क्या है, व्हाट इज़ द रिसेंट न्यूज़ इन इंडिया। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो HR ने मुझसे पूछे थे। तो ये तो मेरा कुछ मेरा कुछ एक्सपीरियंस मैंने आपको शेयर किया है जो मेरे से पूछा गया है। अब आते हैं फाइनल कट ऑफ या मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए और कैसे कितने मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ है। तो यदि सिलेक्शन की बात करोगे आप, जैसे गेट के कट ऑफ मैंने आपको बताई 60.66 मार्क्स, तो अराउंड ये रैंक जाएगी 1500 तक रैंक जाएगी। मेरे थे 70.67 मार्क्स, मेरी रैंक थी 460 मेरी रैंक थी। तो इस पे आपका जो 85% देखोगे इसके ऊपर, तो अराउंड वो बनेगा 61 के करीब आपका 85% बनेगा। मेरे टोटल ओवरऑल मार्क्स जब रिजल्ट आया है तो उसके अंदर आए हैं अराउंड 72.36 है, वैसे 72 आप कंसिडर कर लो। फाइनल कट ऑफ जो गई है इसकी, मैं आपको बता देता हूँ, फाइनल कट ऑफ जो ओवरऑल गई है, इसमें जो जनरल की कट ऑफ गई है फाइनल, वो है आपकी 75.21 जनरल की कट ऑफ फाइनल जो गई है 75.21। सो सिलेक्शन कब आसान हो जाता है, जब आपके गेट में मार्क्स अच्छे होते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे 61 ही मार्क्स थे, तो मुझे यहाँ पर भी 11 पॉइंट समथिंग मार्क्स मिले हैं, जिसके कारण मेरा टोटल स्कोर 72.36 हुआ है। ये 11 आउट ऑफ 15 स्कोर है मेरा,
तो जनरल की जो कट ऑफ गई है 75.21। इफ यू हैव 80 मार्क्स इन गेट और से इफ यू हैव 75 मार्क्स देन योर सिलेक्शन इज वेरी इजी। 75 मार्क्स पे आपका सिलेक्शन होना आसान हो जाता है। यदि 75.21 गई है, यदि आप इसका 85% भी करेंगे और आप 10 मार्क्स भी ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाना है। तो ये जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई है। यदि ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस की इसमें कम कट ऑफ गई है, इवन ओबीसी से भी कम गई है। ईडब्ल्यूएस की 71.59 कट ऑफ गई है खाली। ओबीसी की 72, ओबीसी की गई है 72 एंड एससी एसटी की नियर बाय 65 मार्क्स। तो एससी एसटी को एडवांटेज तो रहता ही है, इजली आपको वो मिल जाती है, इजली आपको आईओसीएल इंटरव्यू से आपको मार्क्स जनरली सिलेक्शन हो ही जाते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो आईओसीएल इंटरव्यू के बारे में मैं बताना चाहता था आप लोगों को मेरे एक्सपीरियंस से। सो आई होप आपको कुछ ये बातें समझ में आई होगी। और यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल टेल यू अबाउट दैट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।